जय हिंद आर्मरर के शेयरों, आपका सेंटर लोखरा में है। आप लोगों के लिए अपडेट लेकर के आया हूँ कि 7 तारीख को आपका क्या हुआ था, कैसे कैसे 7 तारीख को हुआ है। बाय द वे आज आपका 7 ही तारीख है, लेकिन तो अभी रात का आपका 11:30 हो रहा है, तो यह वीडियो आज नहीं मिलेगी आपको। यह वीडियो आपको 8 तारीख को, आप ये सुबह में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। मैं अपलोड करके पब्लिश करने की कोशिश करूँगा 8 तारीख को, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में आपका 2 चीज के बारे में बात होगा। 2 चीज आपका कौन कौन सा है, पहला आपका अकोमोडेशन के बारे में, दूसरा आपका क्या है कि पीईटी पीएसटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं ट्रेड टेस्ट के बारे में, एग्जाम के बारे में बात करूंगा। कि अभी इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं कितनी बार बोलते रह गया कि आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं, क्या होता है कि बीच का जो इंफॉर्मेशन देता हूं या लास्ट तक, वीडियो तो फालतू तो बनता नहीं, लास्ट में चुप रहता हूं, खड़ा होकर के आप छोड़ के चले जाते हो। जो मैं वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंटेशन का, डॉक्यूमेंटेशन में बताया था रिपोर्टिंग वाले में कि आपको क्या करना है, कि अपना बैग खुद का लेकर के जाना है। फ्रेंड है आपके, मतलब मित्र हैं, तो आपको उन्हीं के बैग में अपना डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखना है, और समझाया भी था क्यों नहीं रखना है। रनिंग में वो आउट हो जा रहे हैं, किसी स्टेज में आउट हो जा रहे हैं, बाहर भगा दिया जाएगा बैग लेकर के, तो क्या होगा। और लॉकर वॉकर के बारे में बताया था, तो उसको जा करके देखिएगा, मैं लिंक कुछ नहीं देने वाला हूं। चलिए, आपका सबसे पहले अकोमोडेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं। लोखरा का 7 तारीख का अपडेट क्या चल रहा है इस समय, ठीक है। लोखरा में अभी वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स की रैली चल रही है। मुझसे आज ही कैंडिडेट ने कॉन्टैक्ट किया है, नाम है सूरज सिंह, मैं कॉन्टैक्ट किया हूं, और उन्होंने क्या क्या अपडेट्स दिए हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका अकोमोडेशन के बारे में, वो 11 बजे वहां पर पहुंच गए थे लोखरा में। लोखरा में पहुंचने के बाद रंगापारा से फिर उधर चले गए लोखरा में स्टेशन से, अभी वो जा रहे हैं अपने घर। वहाँ पे अकोमोडेशन के लिए गए तो 150 से 100 रुपये से लेके 250-300 रुपये तक का उन्हें रूम मिल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, 200 रुपये का रूम लिया, 250 रुपये का रूम लिया, जिसमें 2 लोग थे, यानी कि 250 × 2 500 रुपये एक दिन का वो उन्होंने पे किया। अब वो आपके ऊपर कैसा रूम ले रहे हैं कैसा नहीं ले रहे, वो पर्सनल रूम लिए थे इसलिए ज़्यादा था। और रूम का बता दूँ कि रूम आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे कि, और एकदम लास्ट हो गया तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा, बाहर आपको सड़क पे रहना पड़ेगा। और यहीं पे आपको बता दूं कि आज दीपू का भी अपडेट मिला है, दीपू में क्या हुआ है, आज आपका बारिश हुआ है, लोखरा में भी बारिश हुआ है। तो जो कैंडिडेट बाहर थे रात का 12 बजे 1 बजे तक 2 बजे तक बाहर ही थे रैली सेंटर के, उन लोगों का क्या हुआ, बारिश में ही इधर उधर भटकते रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि रेनकोट लेकर के जाएं, छतरी लेकर के जाएं, अम्ब्रेला छाता लेकर के जाएं, ताकि आपको बाहर किसी तरीके से आप अपने आप को सरवाइव कर सकें कुछ समय के लिए। और आपका अब उस इतना हो गया, आपका क्लियर हो गया। अकोमोडेशन नहीं मिलने की स्थिति में आप रेलवे स्टेशन पे भी जा सकते हैं, जो भी जैसा है। अब इसके बाद आते हैं कि पीईटी और पीएसटी, पीईटी ऑब्लिक पीएसटी आपका, उसके बाद क्या हुआ, इंट्री हुआ। इंट्री कितने बजे से होना शुरू हो गया आपका, इंट्री आपका हुआ 2 बजे से कैंडिडेट लाइन लगाना शुरू कर दिए थे। इंट्री आपका कितने बजे से, 4 बजे से इंट्री कराना शुरू कर दिए, और लगभग 4 बजे के 4:30 बजे के लगभग एक बैच का रनिंग छोड़ दिए रनिंग के लिए, समझ रहे हैं, 4 बजे एक बैच का रनिंग हो गया छोड़ दिए, यानी कि। और क्या हुआ कि जब पहला बैच रनिंग कर लिए, दूसरे बैच में ये कैंडिडेट्स थे, पूरा कितने बैच बने थे, 3 बैच बने थे, लगभग सब बैच में 350 प्लस लोगों को लिया जा रहा, 300 से 350 आप मान सकते हो कैंडिडेट्स को लिया जा रहा था। तो दूसरे बैच में थे, तो दूसरे बैच में क्या हुआ, इनको ले गए गए रनिंग के लिए। इनका कितने बजे रनिंग पूरा फाइनल हो गया, 7 बजे फाइनल हो गया इनका रनिंग में, हेयर आउट हो गए। अब रनिंग में आपको कैसे करना है, रनिंग में आपको पहले ही बताया हूँ कि 2 किलोमीटर जाना है। जैसे आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो वहाँ पे टीपी लिखा हुआ, टीपी का मतलब क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे टोकन मिलेगा, 2 कैमरा लगा हुआ है, एक ही साइड से, एक ही साइड से लगा हुआ है। वहाँ पे 2 कैमरे में आपका तस्वीर कैद होगा। हाँ, जब आप रनिंग के लिए जाओगे तो उसी बीच में आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा, जैसे ग्रुप ग्रुप बनता है ना, जैसे आपका इंट्री हो रहा है, इंट्री के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, आपका पहला एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा ओरिजिनल आधार कार्ड, या 3 चीज आपके लग रहे हैं,
ठीक है। तीन चीज आपको लेकर के एंट्री होना है, तभी आपको वहां पे चेस्ट नंबर मिल जाएगा। आपका बैग लेकर के जाना है, बैग आपको गाड़ी में फिर जैसे ही वहां पे आपको बैठा के चेस्ट उस्ट मिल जाएगा, आगे ले जाया जाएगा, वहां पे आपको गाड़ी में रखना रहेगा और स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाया जाएगा। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जा करके बैठेंगे, वहां पे क्या है कि आपका प्लेन है, फिर 100 मीटर आगे जा 100 मीटर तक प्लेन है, फिर आगे जाने पे 100 मीटर के बाद आपकी चढ़ाई है, फिर डाउन है, फिर वहां पे रोड क्या है कि टूटा फूटा हुआ है, जिससे कि बारिश हुआ तो और पानी लग गया। जैसे 2 किलोमीटर पे था ना पीछे, 2 किलोमीटर आपको जाना है, तो 2 किलोमीटर नहीं है कैंडिडेट के हिसाब से, और एक्चुअल में भी ऐसा होता है, 2 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं होता, 2 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है, 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, फिर उसके बाद वापस आना है 3 किलोमीटर, तो हो गया 5 किलोमीटर। जो 3 किलोमीटर का वापस का स्ट्रेच है वो आपका बहुत ही, मतलब कि 3 किलोमीटर नहीं बोल बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा है, 3 किलोमीटर से कहीं ज्यादा। वो आर्मी की तैयारी करते थे जिनका आता था टाइमिंग 5:30 के लगभग, उनका रनिंग नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? मैं तो कहा कि इस पे तो रनिंग निकल जाना चाहिए 5 किलोमीटर का। फिर मैं आपसे जो चीज बोला था वही चीज हो रहा है कि आपको दौड़ में सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है। वो चीज क्या है कि आपको बीच में अगर रनिंग को शुरू कर दिए हैं तो बीच में कुछ भी हो जाए, पेट दर्द करे, सर दर्द करे, पैर दर्द करे, कमर दर्द करे, कुछ भी दर्द करे, आपको रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है और आपका दौड़ निकलने का 99% चांस है। स्पीड धीरे हो जाए कोई बात नहीं लास्ट में, लेकिन तो आपको क्या करना है कि रनिंग को रोकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। मार्टिन लूथर बोले थे ना, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, वॉक नहीं कर सकते क्रॉल, लेकिन तो चलते रहना है आपको। यह आपको समझ में आ गया मैं कितनी बार बोल रहा हूँ? ये आपको देख रहे हैं क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो 350 लोगों का वो 3 से 4 सेकंड से सिर्फ आउट हुए हैं, 3 से 4 सेकंड के लिए आउट हो गए। अब क्या रुके नहीं होते तो क्वालिफाई करने का चांस था, ठीक है। तो आपका रिपोर्टिंग में जब रनिंग में कितने लोग क्वालिफाई किए हैं, 350+ लोगों का बैच बना था, 350+ में से आपके कितने कैंडिडेट, 186+ के कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है। और यहीं पे एक और पॉइंट बता देना चाहता हूँ, जैसे ही आप 2 किलोमीटर वाले पे आते हैं तो आपको टोकन लेकर के जाना रहता है। अब जैसे कि मेरा दोस्त है, हमारे फ्रेंड हैं, हमारे भाई हैं, तो क्या किया कि अच्छा चलो तुम तो तुम्हें नहीं जाना है, तुम एक काम करना मुझे टोकन ला करके दे देना और मैं लेकर के चला जाऊँगा भागते हुए, हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप मत करिएगा टोकन का, टोकन में बहुत लोग किए हैं, बहुत लोगों को डंडा पड़ा है, ठीक है। बहुत लोग एक जो काम किए हैं कि टोकन एक्सचेंज कर ले रहे थे, वहाँ सबसे टोकन मांगा जाएगा, जो 2 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहे हैं वो उन लोगों को तुरंत एम्बुलेंस में बिठा दिया जाता है। वैसे तो हम अमूमन 2 किलोमीटर का तो स्ट्रेच पूरा कर ले रहे हैं, जब वापस आ रहे हैं पैदल पैदल नहीं चल पा रहे हैं तो उनको एम्बुलेंस में बैठा लिया जा रहा है। टोकन उनके हाथ में रहना चाहिए, उनके पास में रहना चाहिए। अगर टोकन नहीं है तो वहाँ पर कैमरे में से देखा जाएगा जो भी होगा, अगर आप वहाँ पर नहीं गए तो पकड़ के पूछा जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। तो ऐसा टोकन के लिए आप कुछ भी मत करिएगा। और रनिंग के करते समय आप ड्रग्स का, कुछ भी नारकोटिक्स का, कुछ भी ऐसा पदार्थ मत लीजिएगा कि आपका फिजिकल बेकार हो, नहीं तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, चेक होगा, पकड़े जाओगे तो फिर जाओगे, आपके ऊपर उचित जो भी कार्यवाही होनी रहेगी वो कार्यवाही होगी। तो फिर जितने लोग रनिंग को क्वालिफाई किए हैं, रनिंग अब यहाँ पे इतना तो डिटेल में बता दिया, अब जितने लोग रनिंग को क्वालिफाई किए, रनिंग को क्वालिफाई करने के बाद वो लोग कहाँ पर ले गया गया कि हाइट चेस्ट वेट के लिए। तो हाइट में आपको बता दूं, जिनका 170 सेंटीमीटर से एक भी कम है, 169.9 है मेजर करने पे घर पर आ रहा है, तो आप प्लीज़ मत जाइए, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस ले वहाँ के माहौल का, तब तो आप इसको हटा करके आप जाइए, देख करके आइए, क्या पता आपका सिलेक्शन हो सकता है, हो सकता है। कितना वहाँ पे ले रहे हैं, 171 सेंटीमीटर माप रहे हैं, 171 पे माप रहे हैं, जो कि 170 तक आपको लाना, 170 रहेंगे तो खुद ही एक कम हो जाएगा, 171 रहेंगे तो 170 पे कहीं ना कहीं आपका सेट होने का चांस रहेगा, ठीक है। और हाइट चेस्ट, हाइट का बात हो गया, चेस्ट का भी
चेस्ट भी आपका ठीक रहे तभी आपका 80-85 हो तभी जाइएगा। और गोरखा वालों जो भी हिल एरिया थे ऐसे थे जो भी जिनके पास ऐसा सर्टिफिकेट था उनको भी काफी लोगों को आउट किया गया है। जनरल वाले लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग हाइट में बहुत ज्यादा निकल आए क्योंकि 170 सेंटीमीटर। अब वेस्ट बंगाल एक वैकेंसी के लिए इतने सारे फॉर्म फिल हुए हैं तो अब क्या किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपका मैं बात कर लिया किस तीन चीज के बारे में बात किया, अकोमोडेशन, पीटी, पीएसटी और तीसरा क्या हो गया, डॉक्यूमेंटेशन छोटा सा दे दिया और बीच में जो भी केस चार्ज के हुए हैं उन सबको बता दिया। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिए, आपको किसी तरीके से सब्सक्राइब करके होना है उस तरह हो जाइए, नहीं तो सर्च करके होते रहिए। जैसे आपको जुड़ना है, आगे का वीडियो देखना है उस तरह से आप जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका किस चीज के बारे में, ट्रेड टेस्ट के बारे में, उसमें आपको और जो भी जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। और एक कमेंट आया था आज के ही वीडियो में आर्मरर के कि इतना डिटेल में क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं पूछते कोई एक्सपर्ट का नहीं, उनका मैं कमेंट नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। आप क्या करिए कि तब तक इन सब चीज को दिमाग में बिठा करके रख लीजिए, ठीक है, एनालिसिस करिए, आपके दिमाग को समझाइए हमें ऐसे ऐसे करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।